नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीरीज से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 51 इज साइक्लिक एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 151 इज साइक्लिक एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 505 इज साइक्लिक और ये आया था एनवीएसएम 2015 में। अगर मैं ऑप्शन ए को चेक करता हूँ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 51 अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो क्या बनेगा 7 × 30 ठीक है। अब देखो ये पी अगेन पी की ऑर्डर ग्रुप है हम लास्ट में पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं पी की ऑर्डर कोई ग्रुप है तो वहां से हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी बनती है या तो वो साइक्लिक हो या फिर अगर कैसे साइक्लिक हो या फिर नॉन अगेन हो। अब देखते अगर पी नॉट डिवाइड्स क्यू माइनस वन ये आइसोमॉर्फिक बन जाएगा जेड पी के पी क्यू के अगर पी पी डिवाइड्स क्यू माइनस वन यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनती है या तो ये जेड पी क्यू हो या फिर ये नॉन अगेन ठीक। अब देखो 7 नॉट डिवाइड्स 12 यानी कि ये पहली पॉसिबिलिटी में आ गया यानी किसकी आइसोमॉर्फिक बन जाएगा ये जेड 51 के आइसोमॉर्फिक बन जाएगा जो हमारे पास क्या होता है साइक्लिक होता है यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अगर ऑप्शन बी की तरफ जाऊं मैं तो ऑर्डर ऑफ जी क्या बनेगा 151 जो अपने आप में क्या है प्राइम नंबर है प्राइम ऑर्डर ग्रुप हमेशा ही साइक्लिक होता है और आइसोमॉर्फिक किससे हो गया ये जेड 151 के तो ऑप्शन बी इज आल्सो हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। अगर ऑप्शन सी को ध्यान से देखिए हम ऑर्डर ऑफ जी क्या दिया गया है 505 अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन को क्या बनेगा 5 × 101 अब अगेन पी क्यू टाइप का ग्रुप बन गया ये पी क्यू ठीक है। अब देखो 5 डिवाइड कर रहा है सॉरी 5 डिवाइड करता है 100 को ठीक है। अब 500 को डिवाइड करता देखो इफ पी डिवाइड्स क्यू माइनस वन तो यहां से दो पॉसिबिलिटी बनती है या तो ये जेड 505 के आइसोमॉर्फिक या फिर नॉन अबेलियन ग्रुप हो कोई जिसका ऑर्डर कितना हो 505 परंतु नॉट नेसेसरली जरूरी नहीं है कि ये जेड 505 ही आइसोमॉर्फिक हो तो यानी कि एवरी बोला है यानी कि इस ऑर्डर का जो कोई भी प्रत्येक ग्रुप होगा क्या होगा साइक्लिक होगा परंतु ऐसा जरूरी नहीं है हमारे पास नॉन अबेलियन ग्रुप भी ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिसका ऑर्डर 505 यानी कि ऑप्शन सी हमारा डिस्कार्ड हो गया। तो इसके ऑप्शन कौन से करेक्ट हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।